गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज हो रही है शुरुआत खाने से ही, क्योंकि ये व्लॉग मांडव जोड़ी के दिन का है। मतलब दूसरे दिन हमारे यहाँ पे नॉनवेज बनाया जाता है। जो मेहमान रुकते हैं घर पे, सारे मेहमान घर के ही होते हैं, जो पास पास के होते हैं वही रुकते हैं कुछ दिन, तो इसी वजह से उनको नॉनवेज की पार्टी दी जाती है। तो वो नॉनवेज की पार्टी हो रही है यहाँ पे। तो नॉनवेज की पार्टी के दिन ये बस चिकन बनाया था। जो चिकन नहीं खाते हैं उन्होंने अंडे लाए थे, उनके लिए एग्स बनाए थे। और तो यहाँ पर सब्जी मेरे दीदी के बेटे ने बनाई थी, वो जो ब्लू टी शर्ट वाला है उसने बनाई थी। तो वो मेरी दीदी का बेटा है, मतलब बुआ की बेटी का बेटा, तो उसने बनाई थी। और ये मेरी मासी का बेटा, वो मेरे भैया का बेटा, येलो वाला। और उसके बाद यहाँ पर अद्विक को खिलाया जा रहा है, बट वो ना दूसरे के हाथों से खाता ही नहीं है, तो इसी वजह से वो अपने हाथों से ही खा रहा था अच्छे से। बस उसके बाद दोपहर में हमने रेस्ट की। उसके बाद ना मेरा भाई और हम लोग जाने वाले थे, तो ये यहाँ पर वो हो रहा है, मतलब टीका लगाया जा रहा है। तो ये भाई दूज रही गई थी मेरी, तो इसी वजह से ये वाला भाई नहीं आया था भाई दूज के लिए, तो फिर वो भी नहीं आया था। तो हमारी भाई दूज रही गई थी, तो इसी वजह से अभी हम लोग भाई दूज कर रहे हैं। ये भाई दूज ही हो रही है, यहाँ पर टीका लगाया जा रहा है, जो कुछ होता है वो करेंगे। एक्चुअली सारे भाई यहाँ पे ही थे, जैसे कि मेरी मासी के बेटे भी यहाँ पे ही थे, जिनको जिनको मैं टीका लगाती हूँ, और मेरे दोनों भाई भी, और जो मेरे बड़े पापा के बेटे हैं वो भी यहीं पे थे। तो इसी वजह से आज ही भाई दूज हो रही है हमारी, तो वही चल रहा है यहाँ पे। एक्चुअली सब लोग साथ में ही अक्षत वगैरह लगाते हैं, हमेशा मेरे घर पे आते हैं, बट इस बार यहाँ पर आना था, तो इसी वजह से वो लोग फिर मेरे घर पे नहीं आए। यहाँ पे हम लोगों ने भाई दूज मनाई। ये मेरे मासी का बेटा है, और उसके बाद छोटी मासी का भी बेटा रुक गया था, तो उसको भी अक्षत लगाई। और छोटी मासी जिस दिन गई, उस दिन उसके छोटे बेटे को भी अक्षत लगाई थी। ये मेरे बड़े पापा का बेटा है, उसको भी लगा रही हूँ। और उसके बाद मेरा जो ये छोटा भाई है, उसको भी साथ में ही लगा रही हूँ। बस इनके अक्षत लगाना हो जाए, उसके बाद कल्याणी इनको लगाती है, तो कल्याणी इनको लगाएगी। और मैंने टी शर्ट्स लाए थे सबके लिए गिफ्ट्स, वही दे रही हूँ। सब भाइयों के लिए टी शर्ट्स लाए थे, और भाभीियों के लिए ब्लाउज पीस वगैरह ये वो, तो इनको दे रही हूँ। और बस यहाँ पर ये मेरी सबसे छोटी मासी का बेटा, और उसके बाद और एक छोटी, मतलब छोटी मासी के दो बेटे हैं, तो उसको तो उस दिन लगाई थी जिस दिन मासी गई थी। और यहाँ पर कल्याणी लगा रही है इनको, वो इनको अक्षत लगाती है, राखी बांधती है, तो इसी वजह से वो यहाँ पर उनके साथ भाई दूज मना रही है। और यहाँ पर बस वही चल रहा है, यहाँ पर हमारी भाई दूज मनाई जा रही है। और उसके बाद वो थोड़ा सी मजाक कर रहे थे उसके साथ कि ये मुझे पहना दो करके, वो मेरी रिंग थी, बाद में उसने मुझे पहना दी। और उनकी तैयारी भी चल रही है साथ साथ, गाड़ी में उस दिन का सामान रख दिया जा रहा है, और उसके बाद वो निकल जाएंगे तुरंत ही। बस यहाँ पर भाई दूज मनाने के बाद जल्दी से निकल जाएंगे वो लोग, क्योंकि उनकी ट्रेन थी। और हाँ, ट्रेन में जा रहे थे ये, पहले तो हमारे खुद के ट्रैवल से ही जाते थे, क्योंकि हमारी ट्रैवल्स पुणे चलती थी, तो खुद के ट्रैवल से जाते तो इतना टेंशन नहीं रहता था। इस बार अभी ट्रेन से जा रहे हैं, तो थोड़ा सा टेंशन ही रहता है, ट्रेन से जाते हैं तो कभी टाइम पे आती है कभी नहीं आती है, तो इसी वजह से जल्दी निकलने वाले थे। और हाँ, मैंने बहुत बार पहले भी बताया है कि मेरे घर का जो बिज़नेस है वो क्या है, बट फिर भी लोग पूछे जा रहे हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर है या न्यू व्यूवर्स है वो पूछे जाते हैं कि आपके यहाँ का बिज़नेस क्या है, आपका छोटा भाई क्या करता है, जिसकी अभी शादी हुई है। तो वो ट्रैवल्स का बिज़नेस उसका था, ट्रैवल्स का बिज़नेस है उसका। और उसके बाद जो बड़ा भाई है वो इंजीनियर है, ये जो भाभी है मेरी वो भी इंजीनियर है, और ये लोग पुणे में रहते हैं। ये है मेरा बड़ा भाई और ये भाभी, और ये जो छोटा भाई है उसका ट्रैवल्स का बिज़नेस है। तो एक्चुअली अभी ट्रैवल्स रुकी हुई है, क्योंकि ट्रैवल्स का जो बिज़नेस है वो कोरोना की वजह से स्टॉप हो गया है, तो इसी वजह से वो आपको बाहर दिख रही है, वो हमारे ट्रैवल्स है, अनुष्का नाम से है, मेरे माही के नाम से, माही का नाम अनुष्का है, तो आप सर्च कर सकते हो अनुष्का ट्रैवल्स करके, तो आपको पता चल जाएगा। उसमें अकोट नाम से आप अगर डालोगे तो आपको अनुष्का ट्रैवल्स के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो अकोट से पुणे चलती थी हमारे ट्रैवल्स, तो यहाँ पर कोरोना की वजह से सब कुछ बिजनेस स्टॉप हो गया है, तो इसी वजह से ट्रैवल्स भी रोक दी गई है, तो यहाँ पर खड़ी करके ही रख दी है हम लोगों ने। यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे जो ट्रैवल्स है, उसके बाद और दो तीन ट्रैवल्स है, तो वो और पीछे खड़ी करके रख दी है। और यहाँ पर उनकी जाने की तैयारी चल रही थी, तो बस वही चल रहा था। उसके बाद हम लोग भी चले जाएंगे, एक्चुअली हमें भी जाना था, बट इनके बहन के यहाँ पे जाना था हमें, क्योंकि मेरी ननद यहाँ पे ही रहती है मेरे मायके में, तो वहाँ पर भी हमें जाना था, इसी वजह से हम थोड़ा सा लेट गए। उसके बाद मेरे एक बड़े पापा के बेटे के यहाँ पे भी जाना था, तो हम थोड़ा सा लेट गए, बट सबसे पहले ये चले गए, उसके बाद हम लोग चले गए। फिर हम लोग वहाँ पर जाने के बाद एक दिन रुके, क्योंकि इनको ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, इसी वजह से हमें जल्दी जाना था। फिर उसके बाद हम लोग आ भी गए थे।
सो गाइज अभी अभी मैंने हेयर वॉश किया है, नहा लिया है, फ्रेश हो गई हूँ और हमें निकलना है मायके के लिए। मेरे पार्सल आया है, एक मिनट रख दो बेटा, मुझे निकलना है अभी मेरे मायके के लिए क्योंकि हम लोग 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर आ गए थे, इनको ड्यूटी ज्वाइन करना था इसी वजह से। और अभी मुझे लग रहा है कि मुझे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम लोग, मेरी मासी का बेटा वगैरह मेरे साथ आया था, मेरी दीदी का बेटा आया था, तो यहाँ पर हम लोग सभी आ गए थे तो उन लोगों को भी छोड़ना था वहाँ पे मुझे, और इसी वजह से मुझे जाना ही था। तो मैंने सोचा तो 2-3 दिन अभी वहाँ पर रेस्ट करती हूँ, फिर यहाँ पे आती हूँ, थोड़े ठीक लगने लगे तो यहाँ पर आ जाऊँगी। वहाँ पर ना वो कैन का पानी है और फिर उसकी वजह से, चील पानी की वजह से ना मतलब तबीयत खराब हो गई है, बच्चों की भी तबीयत खराब हो गई है, मेरी भी तबीयत खराब हो गई है। अभी क्लाइमेट भी चेंज हो गया है ना, तो इसी वजह से जुकाम खांसी ऐसे हो रहा है। तो 2 दिन तो आवाज़ ही नहीं निकल रहा था मेरे मुंह से, इसी वजह से कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। हेयर वॉश इसीलिए करना पड़ा क्योंकि 2 दिन मैंने हेयर स्टाइलिंग की थी, तो इसी वजह से वो क्रिम्पिंग वगैरह की वजह से बाल एकदम फूले फूले से लग रहे थे। तो आज मैंने सोचा चलो हेयर वॉश कर लेती हूँ ताकि थोड़े से बाल तो भी अच्छे लगे। टैबलेट वगैरह ली थी तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था, इसी वजह से मैंने अभी हेयर वॉश कर लिया, नहा लिया और अभी निकलने वाले हैं। जस्ट सामान रख दिया है सारा डिक्की में गाड़ी के और बस निकलने वाले थे, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो काफ़ी दिनों से आप लोगों से बात नहीं कर पाई शादी के चक्कर में, तो आज आप लोगों से बात कर लेती हूँ और आपको बता देती हूँ क्या चल रहा है। वैसे मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, तबीयत ख़राब होने की वजह बताई थी, व्लॉग नहीं आ रहे थे तो बट मैंने सोचा चलो आज आपको दिखा भी देती हूँ क्या हो रहा है। चलिए अभी चलते हैं वहाँ पे और वहाँ पे क्या होगा आप देख लीजिएगा। चला चलो, मेरी बेली कहाँ है? बॉल किस लिए है? चलो चलो बस यहाँ पर निकल चुके हैं। एक्चुअली मैं आई थी अपने भाई को लेके और मेरे दीदी के बेटे को लेके यहाँ पे, तो इसी वजह से इनको भी वहाँ पर छोड़ना था, हमें भी जाना था, तो इसी वजह से हम लोग निकल चुके हैं और वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर पहुँच गए हैं। पहुँचने के बाद एक्चुअली रेस्ट करने के लिए आई थी मैं, काफ़ी दिनों से मेरी रेस्ट भी नहीं हो रही थी और आप लोगों को तो पता ही है कितने सारे काम थे मेरे घर पर, तो इसी वजह से बिल्कुल तंग आ गई थी मैं, मतलब थोड़े से कामों से। इसलिए मैंने सोचा कि रेस्ट भी हो जाएगी, रेस्ट की रेस्ट भी हो जाएगी और उनके साथ टाइम भी स्पेंड करना होगा। तो यहाँ पर वही चल रहा है, वो आने की खुशी में हमारे ढोकला बना रही है, जिसको जो पसंद है। एक्चुअली मुझे भी मम्मी के हाथ का ढोकला बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी ने यहाँ पर ढोकला बनाया है। और उसके बाद ये जो मेरी नई भाभी है वो पानीपुरी की तैयारी कर रही है, तो श्रीकांत भी उसकी हेल्प कर रहा है क्योंकि हमारे घर पर हम लोग घर पर ही पानी बनाते हैं, तो इसी वजह से वो वही कर रही है। उधर पानी पूरी के मतलब पूरी के पैकेट लाया है और यहाँ पर पानी बनाया जा रहा है, घर पे ही आलू बॉईल कर लिए हैं हम लोग, घर पे ही पानी बनाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी पानी बनता है हमारे हाथ का, तो इसी वजह से वो वही बोल रही थी कि आप बनाओ पानी, मतलब वो सीख भी जाएगी कैसे पानी बनाते हैं, तो और उसके बाद वो बनाएगी बाद में। तो इसी वजह से श्रीकांत और मैं वहाँ पर थोड़ी उसकी हेल्प कर रहे थे हम लोग, और बस उसके बाद मम्मी ढोकले को तड़का देगी, उसके बाद बस यहाँ पर हम लोग खाएंगे वो। और उधर भाभियाँ वगैरह भी नहीं गई थी मेरी, क्योंकि मेरे बड़े पापा की जो बहुएँ हैं वो भी यहाँ पर ही थी, सब लोग यहाँ पर ही थे, तो उनके लिए भी ये भी बन रहा है सब कुछ। और आज खाना ही नहीं बनाना था, यही चल रहा है, यही खाएंगे हम लोग और उसी से हमारा हो जाएगा। चलो अभी कुछ दिन यहाँ पे हूँ तो आपके साथ, उसके साथ जो भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम लोग, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर ना ये बच्चे बहुत ज़्यादा उसको तंग करते हैं यार, मतलब छोटे छोटे उसके देवर है, इसको बहुत ज़्यादा तंग करते रहते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा घुल मिल गई है हमारी इसमें, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उसको 2 ही दिन हुए हैं शादी के लिए और इतनी ज़्यादा घुल मिल गई है ना कि ऐसा लग रहा है कि ये हमारे साथ पहले से रहते थे। और यहाँ पर बस ये पूरी वगैरह ला के रखी है, उसके बाद यहाँ पर ये दूसरे दिन हम लोग डोसा बनाने वाले थे, उसका बैटर बना के उसने रख दिया है क्योंकि पहले से ही मुझे पूछा था उसने कॉल करके कि क्या बना के रखो, तो मैंने उसको बोला था कि डोसे का बैटर बना के रखो, बट आज डोसा नहीं होगा तो कल बनाएंगे हम लोग डोसा। उसके बाद ये अचार मम्मी ने मेरे लिए बना के रखा है, तो मम्मी बहुत अच्छा अचार बनाती है नींबू का, तो वही बना के रखा है। यहाँ पर भाभियाँ ये काट के दे रही है उससे, सब हमारे यहाँ पे मिलजुल के काम करते हैं। ये मेरी बड़े पापा की मतलब बहुएँ हैं, तो वो भी उसको हेल्प करती है काफ़ी सारे कामों में, तो बस यहाँ पर वही चल रहा है हमारा। हम मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप भी आ जाइए खाने के लिए। पानी पूरी बनी है आज, पानी पूरी की दावत है और ढोकला भी है साथ में, आप भी आ जाइए खाने के लिए, सब प्लेट्स निकाल रहे हैं।
और हाँ, किसी ने मुझे पूछा था कि ये आपकी मामा की बेटी है क्या, नहीं जो भाभी है, तो नहीं डियर, मतलब वो रिलेटिव ही है हमारी, बट मेरी मामा की बेटी नहीं है, वो रिलेटिव ही है, बट थोड़ा सा मतलब दूर की रिश्तेदार है, बट वो गांव के गांव में रहती थी, इसी वजह से उनका आना जाना था हमारे घर पे। एक्चुअली उसका हमारे घर पे बचपन से आना जाना था, इसी वजह से उसको कोई भी अजनबी नहीं लग रहा है, सब लोग उसके पहचान के हैं। और वैसे वो फ्रैंक नेचर की भी है, सब लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, तो वैसे है वो फ्रैंक ही, इसी वजह से वो इतना ज़्यादा जल्दी घुल मिल गई है हमारे इसमें, और ये हमारा भी, हमारे लिए भी प्लस पॉइंट है। तो चलिए फिर यही बताना था आपको, आप लोग क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो इसी वजह से मैंने आपको आज जवाब दे दिया उसका। मामा की बेटी नहीं है मेरे, वो रिलेटिव है हमारी, दूर की थोड़ी सी रिलेटिव है, बट अभी तो हमारे घर की ही हो गई है, तो यही बताना था। तो चलिए फिर इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। मेरे इस चैनल के अलावा दो और चैनल है, उसका भी लिंक मिलेगा और इंस्टा का भी लिंक मिलेगा, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टा भी मुझे फॉलो कर सकते हो। चले फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।